भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है और इसीलिए सरकार कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल पिछले 24 घंटों में एक बार फिर रिकॉर्ड 2,777 नए मामले कोरोना वायरस के मिले हैं, जिसके साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की हालत और भी ज़्यादा गंभीर हो गई है और सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। और जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, अब प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है और इसी कड़ी में सरकार जो है वो महाराष्ट्र की सीमा से लगे 4 जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर सकती है। देखिए, खबर ये आ रही है कि प्रदेश सरकार महाराष्ट्र की सीमा से लगे 4 जिलों खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा और रतलाम में लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। इन जिलों में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट अगर कहा जाए तो पूरे प्रदेश में सबसे तेजी से कोरोना संक्रमण की जो संख्या है वो इन जिलों में बढ़ रही है और इसके लिए सरकार ने वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर्स का एक दल जो है उसको समीक्षा करने के लिए इन शहरों में भेजा है और उम्मीद की जा रही है कि रविवार को इसकी रिपोर्ट आने के बाद लॉकडाउन के दिन बढ़ाए जाने के ऊपर फैसला लिया जा सकता है। यानी कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा ये हमको रविवार को पता चलेगा। आपको हम ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 2,700 से भी ज़्यादा नए मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की अगर कुल संख्या की बात करें तो कुल संख्या बढ़कर 3,834 हो गई है, जबकि राज्य में पिछले 24 घंटों में से इस बीमारी से 16 लोगों की मौत अब तक हुई है। वहीं आपको बता दें कि अगर कुल मरने वालों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा 4,014 हो गया है। वहीं संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ रहा है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर 4 दिन में 10,000 से ज़्यादा नए मामले मध्य प्रदेश में सामने आ रहे हैं और इसीलिए प्रदेश की सरकार की चिंता जो है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और सरकार लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले लेने की तैयारी भी कर रही है। दरअसल कोरोना वायरस की दूसरी लहर राज्य के सभी 52 जिलों को अपनी चपेट में ले चुकी है। भोपाल में हर 5 में से एक सैंपल पॉजिटिव मिल रहा है। तो वहीं अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर एक बार फिर कोरोना का एपिसेंटर बन गया है। इंदौर अब एक्टिव केसेस की संख्या के मामले में भोपाल से भी आगे निकल गया है और अब इसीलिए सरकार जो है वो कड़े कदम उठा रही है। आपको ये भी बता दें कि पहले ही सरकार प्रदेश में के 12 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा चुकी है, साथ ही संडे का लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन उसके बाद भी कोरोना के जो मामले हैं वो कम होते नजर नहीं आ रहे हैं। तो सरकार ने अब ये फैसला जो है लिया है और इस फैसले की तरफ बढ़ रही है कि महाराष्ट्र की सीमा से सटे जिलों में लॉकडाउन प्रदेश की सरकार लगा सकती है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप एमपी तक के फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पेज के साथ अब हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। एमपी तक की इंस्टाग्राम आईडी है mptak_official। इस पर जाइए, हमें फॉलो कीजिए और एमपी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।